हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मुद्रा के बारे में पार्ट थर्ड में मुद्रा के महत्व के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि आधुनिक युग मौद्रिक युग है। कोई भी आर्थिक व्यवहार, आर्थिक क्रिया मुद्रा के बिना संभव नहीं है। प्रोफेसर डे ने भी बताया है कि मुद्रा इतनी महत्वपूर्ण और सार्थक हो गई है कि मुद्रा के कार्यों और दुष्कार्यों का अध्ययन ही अर्थशास्त्र के अध्ययन का प्रमुख अंग बन गया है। तो हम लोग मुद्रा के महत्व के बारे में दो विचारधाराएं देख रहे हैं। पहली चीज़ है परंपरावादी विचारधारा और दूसरी चीज़ है केन्जियन विचारधारा और तीसरी चीज़ और देख रहे हैं वो मौद्रिक अर्थशास्त्रियों की विचारधारा। तो सबसे पहले हम परंपरावादी विचारधारा देखते हैं। परंपरावादी विचारधारा के अंतर्गत मुद्रा को विशेष महत्व नहीं दिया गया। वो मुद्रा को एक महत्वहीन वस्तु मानते थे, मतलब कोई इम्पोर्टेंस उन्होंने नहीं दी। प्रोफेसर एडम स्मिथ, जो कि अर्थशास्त्र के जनक भी माने जाते हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मुद्रा एक ऐसी सड़क है जिस पर से जिले भर की उत्पत्ति बाजार में पहुँचाई जाती है, किंतु जो स्वयं किसी वस्तु का अंश मात्र भी उत्पादित नहीं करती है। तो उन्होंने मुद्रा को केवल विनिमय का माध्यम माना। परंपरावादी विचारधारा के अनुसार मुद्रा तटस्थ है और मुद्रा का वास्तविक तत्व जैसे उत्पादन, बचत, निवेश आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उन्होंने मुद्रा को एक आवरण मात्र माना। फिर दूसरी विचारधारा देख रहे हैं, केन्जियन विचारधारा। लॉर्ड केन्ज ने मुद्रा को तटस्थ नहीं माना। उन्होंने बताया कि मुद्रा विनिमय के माध्यम के साथ साथ मुद्रा के संचय का कार्य भी करती है, मूल्य के संचय का कार्य भी करती है। तो उन्होंने बताया कि मुद्रा की मांग और पूर्ति में परिवर्तन होने से क्या होता है, ब्याज की दर में परिवर्तन होता है और ब्याज की दर कम होने पर अन्य बातें समान रहने पर निवेश बढ़ जाता है और निवेश बढ़ने पर राष्ट्रीय आय, रोजगार, आय, उत्पादन सब बढ़ते हैं। और इसने यही नहीं, आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए भी मौद्रिक नीति को विशेष महत्व दिया है। फिर तीसरी जो विचारधारा है वो मौद्रिक अर्थशास्त्रियों की विचारधारा है। मॉनेटरिस्ट जो व्यू है वो हम लोग देख रहे हैं। मौद्रिक अर्थशास्त्रियों में जैसे प्रोफेसर फ्रीडमैन ने ये बताया कि केवल राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में ही मुद्रा का महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, अपितु देश की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में भी मौद्रिक नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये अर्थशास्त्री मौद्रिक नीति को विशेष महत्व देते हैं। वो ये मान के चलते थे कि राष्ट्रीय आय का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक मुद्रा की पूर्ति है और मुद्रा की मांग का फलन स्थिर रहता है, डिमांड फंक्शन फॉर मनी इज स्टेबल, और व्यापार चक्रों की स्थिरता के लिए मुद्रा की पूर्ति में नियंत्रण करना जरूरी है। तो उन्होंने बताया कि आधुनिक आर्थिक जीवन जो विशिष्टीकरण पर आधारित है मुद्रा के अभाव में संभव नहीं होगा। तो ये मैंने आप लोगों को मुद्रा के महत्व के बारे में तीन विचारधाराएं बताई हैं, परंपरावादी विचारधारा, केन्जियन विचारधारा और मौद्रिक अर्थशास्त्रियों की विचारधारा। अब हम लोग मुद्रा के लाभ या महत्व के बारे में डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का प्रत्यक्ष महत्व देखते हैं। सबसे इसमें आर्थिक क्षेत्र में उपभोग क्षेत्र में देखते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है, एक उपभोक्ता मुद्रा की वजह से ही अपनी दीवी आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। अपनी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए वो सम सीमांत उपयोगिता नियम का सहारा लेता है और उस नियम के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन की शर्त है जो निम्नांकित, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू एम यू जेड अपॉन पी जेड। आप लोग देख रहे हैं कि जो पी एक्स, पी वाई और पी जेड हैं, ये सब किस में अभिव्यक्त किए जाते हैं, मुद्रा में ही अभिव्यक्त किए जाते हैं। अतः हम मुद्रा की सहायता से ही अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से उत्पादन के क्षेत्र में भी मुद्रा का बहुत अधिक महत्व हो गया है। उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है, अधिकतम लाभ प्राप्त करना, और अधिकतम लाभ तभी प्राप्त होगा जब एम यू वन अपॉन पी वन इज इक्वल टू एम यू टू अपॉन पी टू इज इक्वल टू एम यू थ्री अपॉन पी थ्री हो। अर्थात अधिकतम उत्पादन के करने के लिए जो श्रम, पूंजी आदि जो उत्पादन के साधन हैं
उनकी सबकी सीमांत उत्पादकता क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। सीमांत उत्पादकता तभी बराबर हो सकती है जब हमें उनकी प्राइसेस मालूम हो। तो इस कंडीशन को प्राप्त करने के लिए भी मुद्रा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से विनिमय के क्षेत्र में भी मुद्रा का महत्व है। वस्तु विनिमय के दोषों का निवारण मुद्रा के कारण ही संभव हुआ है और मुद्रा मूल्य संयंत्र जो प्राइस मैकेनिज्म है उसका भी आधार है। हाँ, मुद्रा के रूप में ही हम सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को लागतों को अभिव्यक्त करते हैं, तो मुद्रा आधुनिक बाजार व्यवस्था का आधार है। व्यापार के क्षेत्र में भी मुद्रा का महत्व है। मुद्रा के कारण ही आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों ही बहुत अधिक बढ़ गए हैं। वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ दूर हो गई हैं और मुद्रा के कारण ही श्रम विभाजन विशिष्टीकरण आदि संभव हुआ है। वितरण के क्षेत्र में मुद्रा के कारण राष्ट्रीय आय में से उत्पादन के साधनों को उनका कंट्रीब्यूशन आसानी से दिया जा सकता है। लगान, ब्याज, मजदूरी ये सब मुद्रा के रूप में ही दिए जाते हैं। इसी प्रकार से राजस्व के क्षेत्र में भी मुद्रा का महत्वपूर्ण योगदान है। सार्वजनिक आय के जो प्रमुख सोर्सेज हैं कर, ऋण, घाटे का बजट, ये सब किसमें मुद्रा में ही प्राप्त किए जाते हैं। इसी प्रकार से सरकार अपने आर्थिक कल्याण को बढ़ाने के लिए जो भी कार्य संपादित करती है वो सब व्यय भी मुद्रा के रूप में ही करते हैं। पूंजी निर्माण भी मुद्रा के कारण ही संभव हुआ है, क्योंकि बचत और निवेश ये दोनों क्रिया ही मुद्रा के रूप में की जाती है। तो ये हमने देखा कि इन सभी क्षेत्रों में मुद्रा का उपयोग किया जा रहा है। और अब हम लोग देख रहे हैं कि आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का परोक्ष महत्व में देखिए, वस्तु विनिमय की जो कठिनाइयाँ थी वो सब मुद्रा की वजह से समाप्त हो गई है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इसी प्रकार से जो केंद्रीय आर्थिक समस्याएं हैं, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, इन सब का समाधान भी मुद्रा के कारण ही संभव हो पाता है। मुद्रा साख का भी आधार है, ये हम लोग पहले देख चुके हैं कि जो विनिमय पत्र है, चेक है, हुंडी है, ये सब मुद्रा के कारण ही संभव हो पाए हैं। आर्थिक विकास का सूचकांक भी मुद्रा है, क्योंकि राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इसके आधार पर ही हम राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं और ये सब मुद्रा में ही अभिव्यक्त करते हैं, किए जाते हैं। इसी प्रकार से पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि हो रही है। पूंजी की गतिशीलता मुद्रा के कारण ही संभव हो पाई है। व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक उद्योग से दूसरे उद्योग में जो पूंजी का स्थानांतरण करता है वो मुद्रा के द्वारा ही संभव है। तो भौतिक प्रगति के लिए प्रेरणा मुद्रा के प्रचलन के कारण ही अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं बढ़ गई हैं और लोगों का जीवन स्तर भी इस कारण से बढ़ गया है। सामाजिक कल्याण का मापक, प्रत्येक देश की सरकार सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना चाहती है, उसके लिए वो शिक्षा, बिजली, पानी, मनोरंजन, आवास आदि पर खर्च करती है मुद्रा के रूप में ही। तो ये हमने देखा कि मुद्रा का परोक्ष महत्व क्या है आर्थिक क्षेत्र में। इसी प्रकार से अनार्थिक क्षेत्र में भी मुद्रा का महत्व है, वो बढ़ता जा रहा है। अनार्थिक क्षेत्रों में सबसे पहले देखिए सामाजिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व बढ़ गया है। लोगों की सामाजिक स्वतंत्रता बढ़ गई है, उनके आत्मसम्मान बढ़ गया है। पहले जो हमारे देश में सामंतवादी युग है वो मुद्रा के कारण समाप्त हो गया है। मुद्रा के प्रचलन के कारण ही पूंजीवाद बढ़ा है और पूंजीवाद में लोगों की स्वतंत्रता काफ़ी बढ़ गई है, अपना व्यवसाय वो चयन खुद कर सकते हैं और इसी वजह से काफ़ी सामाजिक सुधार भी हुए हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी मुद्रा का महत्व काफ़ी अधिक है। सरकार मुद्रा के रूप में कर इकट्ठा करती है और कर देने वाले भी ये सोचते हैं कि सरकार करों से प्राप्त आय का किस प्रकार से उपयोग कर रही है। तो सरकार जो भी कर लगाती है, जो भी व्यय करती है, वो सब मुद्रा के रूप में ही किए जाते हैं और इस सब की वजह से लोगों में एक राजनीतिक चेतना का जन्म होता है और सरकार कल्याणकारी कार्य करके भी राजनीतिक चेतना को और अधिक बढ़ाना चाहती है। इसी प्रकार की कला के क्षेत्र में भी मुद्रा का बहुत अधिक महत्व है। सरकार कला का मूल्यांकन जो किया जाता है वो सब मुद्रा के रूप में ही किया जाता है
और सरकार भी कला को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा के रूप में काफ़ी अधिक खर्च करती है, काफ़ी सुविधाएँ प्रदान करती है। तो हम ये देख रहे हैं कि आर्थिक क्षेत्र जैसे सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और कला के क्षेत्र में भी मुद्रा का महत्व बहुत अधिक है। मुद्रा का बहुत अधिक महत्व होने के बावजूद भी इसकी कई हानियाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं। तो क्या बुराइयाँ हैं जो हम लोग देखते हैं? प्रोफेसर रॉबर्टसन ने भी कहा है कि मुद्रा जो मानव जाति के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है, नियंत्रण के अभाव में संकट और भ्रम का कारण बन जाती है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं आर्थिक बुराइयों पर। सबसे पहली चीज़ है मूल्य में अस्थिरता। मुद्रा के मूल्य में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, यह अस्थिर होता है, इसमें स्थिरता नहीं रहती है, तभी मुद्रा का मूल्य बहुत अधिक कम हो जाता है जैसे मुद्रास्फीति के दौरान, और कभी मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है विस्फीति के दौरान। तो मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता की वजह से इसमें से लोगों का विश्वास भी धीरे धीरे उठने लगता है। व्यापार चक्र, मुद्रा है वो व्यापार चक्र को जन्म देती है। जो व्यापारिक उतार चढ़ाव होते हैं उसका एक मूलभूत कारण मुद्रा है। इसमें भी व्यापारिक उतार चढ़ाव के लिए बचत और निवेश संबंधी निर्णयों में असंतुलन को कारण बताया है। बचत और निवेश का जो संबंध है वो मुद्रा से ही होता है। तीसरी चीज़ है अति पूंजीकरण। मुद्रा के आविष्कार के साथ ही साख सुविधाएं बढ़ गई हैं और उसके कारण लोगों ने उद्योगों में अधिक पूंजी लगाना शुरू कर दी है, जिससे अति उत्पादन हो गया है और अति उत्पादन से देश में मंदी, बेरोजगारी और अनिश्चितता की स्थिति हो जाती है। इसी प्रकार से मुद्रा के कारण धन का असमान वितरण है वो बढ़ता जा रहा है। असमानता बढ़ने से वर्ग संघर्ष की भावनाएं भी बढ़ती जा रही है। काले धन की समस्या भी मुद्रा के कारण ही बढ़ती जा रही है। लोग करों को चुकाना नहीं चाहते हैं, करों की चोरी करते हैं, जिससे काले धन की मात्रा निरंतर बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ ही इसकी सामाजिक बुराइयां भी हैं। सामाजिक बुराइयों में आप देखिए लोगों में भौतिकवाद की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और मुद्रा को प्राप्त करने के लिए सब प्रकार की धंधे, तस्करी, काला धंधा, भाई भतीजावाद जैसी प्रवृत्तियाँ भी इसके कारण बढ़ती जा रही है। और शोषण की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। अधिकाधिक धन कमाने के लालच में लोग गरीब वर्ग का, जो वंचित वर्ग है, उनका शोषण करते हैं, जो कि सामाजिक और नैतिक दृष्टि से उचित नहीं है। अनैतिक प्रवृत्तियाँ बढ़ती जा रही है, जैसा कि बताया चोरी, हत्या, धोखा, ये सब जो अनैतिक प्रवृत्तियाँ है इसका मूलभूत कारण भी मुद्रा ही है। तो इसके साथ ही मुद्रा के कारण कई बार राजनीतिक अस्थिरता भी आ जाती है, क्योंकि मुद्रा स्फीति यदि ज़्यादा हो गई तो भी राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है, जैसा कि जर्मनी में मार्क पर से लोगों का विश्वास उठ गया था। तो इस प्रकार से मुद्रा के कारण कई प्रकार की हानियाँ या बुराइयाँ को भी हम लोग देखते हैं। तो मैंने आज बच्चों आज एक तरफ मुद्रा के लाभ और महत्व को बताया, तो साथ में ही आपको मुद्रा की बुराइयों के बारे में भी या मुद्रा से क्या हानियाँ हो सकती है उसके बारे में भी अवगत कराया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।